संजय जी, जिस वक्त ये हादसा हुआ था तो उस वक्त यही मौजूद थे? बिल्कुल स्पॉट पर मौजूद। जरा मुझे, मैं पूरी आंखों देखी आपकी चाहता हूँ। सर जैसे ही हम सब अंदर खड़े हुए थे तो पंडित जी जो थे, पंडित जी कहने लगे थे जो अस्थियों का होता है कि ये चुभी जाएंगी, ये मंगलवार का टाइम है। वो इतने कहते के साथ ही जी एक सामने से एक मतलब ऐसे आवाज आई जैसे कि बादल गरजते हैं। भाई इतना तो समय मिला जी, उसके बाद में ठाए सारी चीजें धराशायी हो। जिसने अपने आप को बचा लिया वो बच गया जी, जो नहीं बचा पाया वो गया। आप बरामदे के अंदर थे या अंदर थे जी? सब लोग नहीं, आप मैं भी अंदर था जी। अच्छा, तो मतलब आप हम 8-10 आदमी थे जो बराबर बराबर खड़े हुए थे, सभी अंदर। कितने लोग अंदर इस वक्त यहाँ मौजूद थे जब यहाँ? इसके अंदर 70-80 आदमी मौजूद थे। अच्छा, जैसे बताया जा रहा है कि 40 ही लोग थे? नहीं, झूठ बोला जा रहा है। 40 से 45 तो खत्म हो चुके हैं जी, और मरने वालों की संख्या 45-50 के पार है जी, चाहे कुछ भी दिखा दो। उससे बाद में घायल है वो, क्यों घायल है? घायल नहीं है, अलग अलग फट गए शरीर उनके, कैसे होगा? जैसे ही ये हादसा हुआ तो जब आपने फिर शोर मचाया होगा, निश्चित तौर पर कहीं निकलने का प्रयास किया होगा लोगों को? क्या था जी, कुछ देर तक तो हमें खुद को भी पता नहीं पड़ा कि हुआ क्या है। उसके बाद में इतने में मोहल्ले पड़ोस के सभी लोग आने लगे, सभी ने अच्छी हेल्प करी। जो सुरक्षा कर्मी थे, जैसे हमने फोन करा वे भी आए, उन्होंने भी अच्छी हमारी हेल्प करी। और जिस समय में आया, जो कुछ लोग बाहर खड़े हुए थे इधर की साइड में, उधर की साइड में बारिश समझ पे, तो यहाँ करीबन 40 से 50 लोग होंगे। उनमें से कुछ लोग घायल हो गए थे जो निकले, बाकी 30-35 आदमी उसके लैंडर के नीचे भी दब गए थे। उनमें से 3 आदमी तो जिंदा निकले, 2 लैंडर के नीचे थे, 1 भाई उधर पड़ा हुआ था, वो आधा अंदर था आधा बाहर था। जब मैं यहाँ पहुंचा तो वो अपने आप को बचाने की गुहार लगा रहा था, लोग उसकी वीडियो बना रहे थे, लेकिन कोई उसे निकालने को तैयार नहीं था। मैं यहाँ पहुंचा, हम 2 लड़कों ने मिलकर उसके नीचे से जो है मलबा निकाला, उसको बाहर निकाला, तो उस समय उसकी कमर में और हल्के से उसके मुंह पर खरोच थी, वो सही निकला, वो चला गया। उसके बाद स्थानीय लोग आ गए और सब इधर से इकट्ठा हो गए, सब ने जिसके हाथ जो भी लगा उसे तोड़फोड़ करनी शुरू करी और उनको निकालने का प्रयास करा। उसके 20 मिनट के अंदर ही फिर जो ये मेट्रो काम चल रहा है, ये लोग JCB लेकर आ गए, तुरंत हमारे पीछे से जो है पुलिस प्रशासन पहुंच गया, SHO साहब आ गए, और उसके 10 मिनट बाद ही और JCB आ गई, सबने मिलकर जो है। सबसे ज्यादा जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा वो आम जनता का रहा, जिन्होंने खूब कोई अपने घर से डंडा हथौड़ा छैनी जो भी लाया, सबने उनको तोड़ा और उसके बाद निकाला। तो लैंटर के बीच में से एक लड़का जो उल्टा पड़ा हुआ था वो जिंदा था, जैसे लैंटर उठाया उसने मेरी तरफ को हाथ करा, हम लोगों ने और जो उसको तोड़ फोड़ करके लैंटर को ऊंचा उठाया, उसको निकाला, वो सही सलामत था, वो बच गया था लड़का। बाकी उसके बाद जब हमने सब लैंडर उठाया, उसके पैर में चोट थी, पैर से बेकार था वो, उसको चला नहीं जा रहा था, मैंने नीचे बैठ के उसको धक्का देकर बाहर निकाला। उसके बावजूद फिर जो है NDRF आ गई, जब सारा काम निमट गया, 5 मिनट का काम था, वो एक डेड बॉडी पड़ी थी जो बीच में से खत्म थी बिल्कुल, उसको NDRF ने उठाया। और पुलिस सबसे ज्यादा सहयोग जो है आम जनता का और पुलिस प्रशासन का बहुत रहा। हमारे SHO साहब ने जो है खुद अपने हाथों से लोगों के मृत शरीर को उठाया, जिनकी हाथ उल्टी भी निकली पली थी, ऐसा साहब ने उठाकर उनको गाड़ी में डाला, और आम जनता का सहयोग रहा। बाद में NDRF का यहाँ पे बहुत मतलब हायला था, आसपास से लेडीजें आ गई थी जिनके परिवार से लोग थे।